आप सभी ने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो देखी होगी। शायद ही कोई होगा जिसने ये फिल्म ना देखी हो और इस फिल्म के एक कैरेक्टर जादू को ना जानता हो। जादू जो एक एलियन था और अंतरिक्ष से आया था। दुनिया में एलियंस को लेकर आए दिन कई तरह के दावे किए जाते हैं। यूएफओ को इससे जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि ये धरती पर बार बार आते हैं। दावा किया जाता है कि ब्रिटेन में 2.5 साल के भीतर करीब 1000 यूएफओ देखे जा चुके हैं। इस दावे से पहले एक विशेषज्ञ ने बताया कि एलियंस डिटेक्ट किए जाने से बचने के लिए हमारे सोलर सिस्टम के ठीक बाहर अंधेरे वाली जगहों में छिपे हो सकते हैं। वहीं अब नासा के एक पूर्व रिसर्चर ने अनोखा दावा किया है। उनका मानना है कि यूएफओ के पायलट हमारे महासागर के नीचे हो सकते हैं। 2001 से 2005 तक नासा के एक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले एक रिसर्चर का मानना है कि ऐसे कई कारण हैं कि एलियंस पृथ्वी की सतह के बजाय पानी के नीचे रहकर हम पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो छुपे रहना चाहते हैं तो समुद्र का तल उनके लिए बेस्ट जगह होगी। वो वहाँ बेस बनाकर रहते होंगे। उनका कहना है कि पृथ्वी की सतह का 75% हिस्सा पानी है और वास्तव में हमारे उस पूरे पानी तक बहुत कम पहुंच है, इसलिए ये एलियंस के छिपे होने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हाल में देखे गए कई यूएफओ में ऐसे विमान शामिल हैं जो हवा और समुद्र के बीच सहजता से चलते हुए प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट से हुए तो उनके लिए ये और अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर में हीट कैपेसिटी कम होती है, इसलिए तापमान में बहुत वेरिएशन होता है। आपको तापमान में भारी अंतर मिलता है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने पर आपके वातावरण में तापमान में भारी भिन्नता होती है। मंगल ग्रह पर जाएं तो तापमान 0 फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री नीचे होगा। आप शुक्र ग्रह पर जाएंगे तो 800 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। रिसर्चर बताते हैं कि शुक्र पर वायुमंडल हमारी तुलना में लगभग 100 गुना अधिक डेंस है, जबकि मंगल ग्रह की हवा लगभग 100 गुना थिन है। उन्होंने कहा कि ऐसे में केवल सतह पर रहने में सभी प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप समुद्र में रहते हैं तो समुद्र वाले किसी दूसरे जगह पर जाना वास्तव में बहुत ही आसान होगा। ओशियन का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, इसलिए समुद्र से ओशियन तक एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने पर तापमान में नाटकीय रूप से बदलाव नहीं होने वाला है।